जब हम आपसे मिले तब बाजार में जो तेजी थी अभी भी उतनी ही अच्छी तेजी कायम है। क्या लगता है आगे और कितनी तेजी देखेंगे हम? अरे मानसी जी, आप 7 मार्च से मुझे रोज देख रहे हैं और रोज ही मैं आपको कह रहा हूँ बाजार में पैसा बनेगा। आप बताइए कौन सा दिन आपको मैंने निराश किया है, और अब आप कह रहे हैं 2 अप्रैल को आप मुझे अप्रैल फूल बना रही हैं। कैसे नहीं, कैसे अब घटेगा नहीं, अब घटेगा कहाँ से, माल मिलेगा किसे? अब सब बोलेंगे 17,000 आ जाए तो गनीमत है, कहाँ आएगा? पहले न्यू हाईज आएंगे, फिर आदमी को जब सब लेंगे तब पता लगेगा। अभी सब साइड पे बैठे हैं कि आज होएगा वॉर, और ये हो गया सब कुछ, अब ड्रामा हो गया। अब आपने ट्रेलर देख लिया, अब आगे की पिक्चर देखिए। आगे की पिक्चर आपको बता दूं, सुबह आपको ब्रिटानिया, IDFC फर्स्ट, सेल, टाटा मोटर, BEL, IRCTC, जुबिलेंट, MGL, इंडसइंड, अल्ट्राटेक, आप नाम लीजिए, 6-6, 8-8% शेयर बढ़े हैं। और इंडिया बुल देखिए, 175 बिक गया। तो बाजार में अभी तो ओनरशिप कम है, यू गेट माई पॉइंट? द फियर डिडंट लेट यू बाय, एंड नाउ द मिस्ड आउट फीलिंग इज लार्ज। नाउ द मिस्ड आउट फीलिंग विल बिकम ग्रीड, एंड देन व्हेन ग्रीड कम्स देन द मार्केट विल मे गो टू अ टॉप। तो अभी कोई साइन नहीं है मार्केट टॉपिंग आउट के, अभी बने रहिए और लेने की कीजिए। आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सब बताएं। तो ऑटोज में सबसे दिग्गज है लीजिए, आफ्टर टाटा मोटर, महिंद्रा, महिंद्रा विल बी एन आउट परफॉर्मर, द मोस्ट वैल्यूएबल फोर व्हीलर स्टॉक, एंड चीपर एट द वेरी वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। द SUV, द ट्रैक्टर एंड द EVs आर डूइंग ब्रिलियंटली। अभी मैं वैष्णो देवी होके आया, जितने वहां के स्कूटर EVs हैं सब महिंद्रा महिंद्रा के हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकता हाउ बुलिश आई एम ऑन दिस। 875 का टारगेट, 816 का स्टॉप लॉस, 830 में आप लीजिए। दूसरा पिक अगेन एन ऑटो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग OEM, मदर सन्सुमी, 142 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 137.50, टारगेट ऑफ 150। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून भसीन जी। तो यहाँ पर M&M जिसके ट्रैक्टर फिगर्स, सेल्स फिगर्स भी बहुत अच्छी आई, वो और एक ऑटो एंसिलरी काउंटर, इसके अलावा दूसरे और कौन से स्पेसेस हैं जो जिनकी जिन पर आपकी नज़र? आपने कहा कि अंडर परफॉर्मेंस, अंडर ओनरशिप है कई सारे स्पेस और स्टॉक्स में। आज अगर हम देखें अपोलो हॉस्पिटल तो NFT में इंक्लूड हुआ, इसलिए उसमें कितने दिनों से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन भी था, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, मेट्रोपोलिस हो, वहाँ पर भी जिस तरह से लॉन्ग्स बन रहे हैं, क्या ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, हर सेक्टर में चेंज बदल आएगा, ओनरशिप कम है। मुझे अभी भी लगता है, मैंने आपके यहाँ उस दिन 102-105 रुपए में सेल कहा था, देखिए 107 हो गया। तो ओनरशिप विल बी इन सेलेक्ट स्टॉक्स, जहाँ रिजल्ट्स विल आल्सो बी वन ऑफ द बेटर वन, बट इन फार्मा आई वुड बी लिटिल कॉशियस, एंड पर्टिकुलरली इन द यू नो दिस स्पेस वेयर डायग्नोस्टिक इज देयर, लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स मे हैव रन अप फार इन एक्सेस, आई थिंक देयर इज मोर वैल्यू। जब मुझे महिंद्रा 875 यहाँ दो तो 3-4 दिन में दिखता है, तो मैं क्यों दूसरे में जाऊं? तो मुझे आई वॉन्ट टू स्टे विद स्टॉक्स विच हैव पेडिग्री नेम्स, बट विच हैव अंडर परफॉर्म, विच नाउ विल आउट परफॉर्म, क्योंकि आप देख रहे हैं रीओपनिंग इज ह्यूज, और टाटा इसमें गाड़ियों में तो बहुत ज्यादा डिमांड है। सप्लाई चेन जैसे ठीक होगी, महिंद्रा वापस 900, इन द एंड ये दिवाली को 1,000 रुपए का भाव हो जाएगा। बसीन साहब, मेरे ना 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो आप मेरे को एक कैश का शेयर बता दीजिए, एक दो, और दूसरा ऐसा भी तो होता होगा ना, आपने जो शेयर बताया उसमें से प्रॉफिट बुक करके आप बाहर हो जाए, बस हो गया, एक फेस चल गया, ऐसे एक दो नाम वो भी बता दीजिए, नहीं तो क्या होता है ना, फिर वो कंप्लीट नहीं होता ज्ञान पूरा। सर, ज्ञान तो कंप्लीट होएगा जब आपके घर पैसा आ रहा है, आप लेके जाइए डीपी जी, ये तो वो कोई तो, इसमें आपको आके बताएगा नहीं। अरे और सर दूसरी वो तो बात, लेके जाएंगे, अब आपके कहने पर खरीद लिया सर, आपके कहने पर बेच बिकवा भी तो दो सर। जितना जितना 5 से 5-7% झा झा मिले आप बुक कीजिए और नई गाड़ी चलाइए। इसमें प्रॉफिट बुकिंग में हम आपका साथ देते हैं, बट यूज योर ओन इंटेलेक्ट दैट इन अ ट्रेडिंग पोजिशन डिम्पी जी, यू हैव टू बी ऑल्सो एजाइल। जहां मार्केट मौका दे वहां अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। आपने कैश का एक काउंटर पूछा, कैश का एक ही काउंटर बता रहा हूँ, ग्रेफाइट इंडिया, द लार्जेस्ट प्लेयर आफ्टर HEG इन इलेक्ट्रोड्स, एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर गोइंग थ्रू द रूफ। इसके नंबर्स बहुत बढ़िया आएंगे, इसका भाव मेरे ख्याल 125 रुपए है, इसका इसका भाव जाएगा 750 रुपए इन इन दिस मंथ।